बताएंगे जस्टिस काजी फायजीसा केस में नए तैनात होने वाले अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने हुकूमत की पैरवी करने से माजरत कर ली। खालिद जावेद का कहना है कि केस में मुफादात का टकराव है, इसलिए हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी पेश हुए। तहम उन्होंने अदालत को आगाह किया कि वो इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि केस में मफादात का टकराव है और मैं इस मुकदमे पर पहले ही अपनी राय दे चुका हूँ, इसलिए समझता हूँ कि मुझे अब इस मुकदमे में हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वकील मुकर्रर करने की दरख्वास्त दी है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान इस केस की तैयारी कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल की जगह वो इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने इस्तदा की तैयारी के लिए मजीद वक्त दिया जाए। पैनल के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस मौके पर कहना था कि हम समझते हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल दलाइल दे सकते हैं, आपने 3 हफ्तों तक का वक्त मांगा है, आपको वक्त दे देते हैं। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी।